हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, जिसकी अभी हम आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन विच सिटी डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 कमेंस इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 19 कंट्रीज। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, इन विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA बिकमिंग द 119th मेंबर नेशन। तो ये कंट्री है माल्टा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स साइंड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये लॉन्च होगी दुबई में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दुबई में जो एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के तहत दुबई में ये लॉन्च होने जा रही है एयर टैक्सी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ डेजर्ट। फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ डेजर्ट ये लॉन्च करने जा रही है सऊदी अरेबिया कंट्री। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशंस आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। तो देर आर 31 नेशंस, 31 देश है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। तो एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, एट्थ क्वेश्चन है, एरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द UN इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। ये जो कंट्री है एरिट्रिया, ये किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ओके, ईस्ट अफ्रीका में है ये कंट्री सिचुएटेड। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, हिटलर पार्टी जो थी विच केम इन टू द पावर इन 1933 इज नोन एज। तो हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी पार्टी, सभी को पता होता है नाजी पार्टी। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। टेंथ क्वेश्चन है, गोल्फ प्लेयर जो है विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो जो विजय सिंह है ये गोल्फ प्लेयर, ये फिजी के प्लेयर हैं, फिजी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रांग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंड्रा वॉज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ। तो ये था झेलम और चिनाब के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, झेलम एंड चिनाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये थ्योरी दी थी, ड्रेन थ्योरी जो थी, ये इकोनॉमिक ड्रेन ये दी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, दादा भाई नौरोजी। 13th क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। तो ये ट्रीटी हुई थी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस में। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर हु स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग्ड। जो फ्रीडम फाइटर थे वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? लॉयर्स थे, टीचर्स थे, जर्नलिस्ट से, या सभी थे इनमें से? ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी थे, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, लॉयर्स, टीचर्स एंड जर्नलिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नेम ऑफ लैकेडिव मिनिकॉय एंड एम एन डी वी आइलैंड्स वॉज चेंज टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। इनका नाम चेंज किया गया था लक्षद्वीप में, ये जो आइलैंड थे इनको बदल दिया गया था लक्षद्वीप में, कौन से एक्ट के तहत? तो 1973 में इनको बदला गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1973 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द। तो ये द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, हाई कोर्ट्स में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। तो पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम एन फॉर्म्स एंड अमलगम विद अदर मेटल्स। कौन सी मेटल है जो अन्य मेटल से मिलने के बाद अमलगम बन जाती है? ओके, तो ये मेटल है मरकरी।
मरकरी के साथ कोई भी मेटल जब मिक्स होती है तो वो अमलगम कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मरकरी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यूक्लिड। क्वेश्चन नंबर 21 है, वट इज कॉमन बिटवीन बिटवीन कटी शंकर एंड लक्ष्मण एंड सुधीरधार। तो ये कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून की ड्राइंग्स बनाते हैं, पॉलिटिकल कार्टून्स की स्पेशली। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ये ड्राइंग कार्टून्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं मैप्स में या ग्लोब्स में, उनको बोलते हैं जियोग्राफिक ग्रिड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, जियोग्राफिक ग्रिड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। तो जापान की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो फुली डिपेंडेंट है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व्ड एज द। जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व एज द एंटी टेररिज्म डे। ओके, एंटी टेररिज्म डे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा यहाँ पे, एंटी टेररिज्म डे। इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। ओके, इसको एंटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, द सेंटिनरी ऑफ महात्मा गांधीज अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन मे 1993। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, मे 1993। क्वेश्चन नंबर 26 है, द ईयर 1991, 1991, द ईयर 1991 वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एज द ईयर ऑफ टूरिज्म सेलिब्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन। तो ये टेम्पल सिचुएटेड हैं राजस्थान में, राजस्थान के माउंट आबू में। ओके, तो राजस्थान करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट। हिमालयन जियोलॉजी का ये इंस्टीट्यूट है, ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 29 है, द डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जो है ये औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। तो ये जो रेशो है ये है 2:3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, यहाँ तक अगले पार्ट में हम HPG के करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।